पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है ऐसे स्लोप्स कहीं नहीं मिलेंगे। आज पूरे इंडिया के अंदर सारे स्की रिजोर्ट बंद हो चुके हैं और 4,500 के हाइट में और ऐसे मौसम में लाहौल स्पीति में आज स्कीइंग किया जा रहा है। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर लाहौल स्पीति में पहली बार किया जा रहा है। हम लाहौल स्पीति के लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग स्वप्न देखते थे कि टनल खुलने के बाद लाहौल स्पीति का प्रदृश्य क्या होगा, यहाँ पर क्या स्वरूप क्या बदलेगा। हमने 2 साल पूर्व भी प्रयास किया था, कोविड के चलते हम यहाँ पर स्कीइंग नहीं कर पाए और इस वक्त सारा हिमाचल प्रदेश पूरे इंडिया के अंदर रिजोर्ट खत्म हो चुके हैं और वहां पर कंपटीशन खत्म हो चुके हैं। ऐसे में लाहौल स्पीति के अंदर ये कंपटीशन कराया जा रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य अटल टनल रोहतांग बनने के बाद किस तरह से टूरिज्म को यहाँ बढ़ावा दिया जाए। हमारे पास एक स्लोप नहीं है, इस तरह से लाहौल स्पीति का कई अनेकों स्लोप है जो नेचुरल स्लोप है। एक शुरुआत किया है मैंने पिछले साल, हमारे यहाँ पर बुद्ध सिंह ठाकुर यहाँ बैठे हैं, रूपनेगी हैं, जगदीश जी हैं, आवासी हमारे पास हमारे वहाँ के जम्मू कश्मीर के एमएलए रह चुके हैं, यहाँ पहुंचे हैं। हमारी सोच कि लाहौल स्पीति को टूरिज्म से जोड़ा जाए, ऐसे स्लोप्स यहाँ पर है। आवासी ने कहा नेचुरल स्लोप है, यहाँ पर आने समय में हम चाहते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल का यहाँ कॉम्पिटिशन हो। लुद्र भाई ने प्रयास किया, उनकी टीम ने प्रयास किया है, हमने शुरुआत की है। ये शुरुआत हमने पहली बार शुरुआत की है, आने समय में आज मैं देख रहा हूँ कितने स्की के यहाँ पर प्रेमी यहाँ पहुंचे हैं और लगभग 180 से अधिक जो है पार्टिसिपेंट यहाँ पहुंचे हैं। 8 टीमों ने भाग लिया है और इतने ही नेशनल लेवल लोग पहुंचते हैं। हमने पूरा प्रयास किया है कि इसको एक लार्ज स्केल पर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाएंगे ताकि लाहौल स्पीति का नाम इंटरनेशनल मैप में हो स्की की दृष्टि में। हमने लाहौल स्पीति में भी विंटर स्पोर्ट्स के नाम पे ओलंपिक्स जो है इंडियन आइस हॉकी का मेन्स वुमेन्स कराया है और एक हफ्ता पहले यहाँ पर हमने जो है पहली बार इंडिया में जो है मैराथन कराया है। मैं चाहता हूँ कि लाहौल स्पीति के अंदर जो है इस तरह से अपार संभावना टूरिज्म के लिए, विंटर स्पोर्ट्स के लिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए उनको जो टूरिज्म जोड़ा जाए ताकि लाहौल में आने समय में लाहौल स्पीति का नाम जो है कुछ का लाभ हो। सर अगर इन स्लोप्स की बात की जाए तो ये जो स्लोप्स हैं जिस तरह से स्टीप स्लोप्स हैं ये ओलंपिक्स के लिए एक बेहतर मौका रहेगा यहाँ के युवाओं के लिए, पूरे देश के युवाओं के लिए। लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, खासकर यहाँ पुल की, रोड की व्यवस्था, क्या इस पर तुरंत गौर किया जाएगा? निश्चित तौर पर जितने यहाँ पर टूरिस्ट जो पार्टिसिपेंट आए उनको लाहौल में हमने होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराया है। मेरा उद्देश्य था कि होम स्टे रजिस्ट्रेशन करने का लाहौल के लोगों का इनकम इकोनॉमी कैसे बढ़े, इसको हम विशेष तरजीह दे रहे हैं ताकि और आने समय में आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि लाहौल स्पीति के अंदर जितने नेचुरल स्लोप्स होंगे वहाँ सड़क पहुंचे, वहाँ सारी सुविधाओं मिले ताकि हमारे टूरिस्ट और गोयल मोटर्स प्रीमियर लीग 2022 क्रिकेट बैरल स्टार्ट्स फ्रॉम 16th March 2022। 10 टीम्स, 150 प्लेयर्स, 20 लीग मैचेस, 2 सेमीफाइनल्स एंड फाइनल विद ग्रैंड सेरेमनी। डोंट मिस ग्रैंड ओपनिंग। Watch live on GMPL app and Live Times TV. Download the GMPL app from Google Play Store or iOS. And for live action, follow us.